नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा हाउस टेक्नोलॉजी में। हम आपके लिए लेके आए हैं सॉफ्टवेयर्स जो आपके सभी तरह के बिजनेस में बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसमें सबसे अच्छा सॉफ्टवेयर है अगर बात करें तो स्पीड प्लस 9.0। यह आपके किसी भी तरह के स्टेशनरी शॉप के लिए या कि फिर बुक्स के मैनेजमेंट में बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही साथ आप इसमें बड़ी आसानी से बिलिंग तो कर ही सकते हैं और एस्टीमेट कोटेशन दे सकते हैं, बैंक एंट्री कर सकते हैं, अपने एक्सपेंस की एंट्री कर सकते हैं। बिल बनते ही कस्टमर को SMS जा सकता है, बिल बनते ही आप पार्टी को मेल कर सकते हैं, PDF भेज सकते हैं, बहुत सारा कुछ है। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि एक स्टेशनरी शॉप में किस तरह से सॉफ्टवेयर का इम्प्लीमेंटेशन किया जाना है और किस तरह से इसमें इसकी वर्किंग की जाएगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सॉफ्टवेयर का वीडियो। उसके लिए हमने अपने सिस्टम पे स्पीड प्लस 9 इंस्टॉल करके रखा हुआ है। अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो आप हमारी वेबसाइट www.datahousetechnology से जाके वीडियो को देख के अपना सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको सॉल्वर सपोर्ट, स्पीड प्लस 9, क्रिस्टल रिपोर्ट, 3-4 सेटअप हैं, उन सेटअप्स को डाउनलोड कर लेना है, अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आपको इंस्टॉलेशन में कोई दिक्कत जाती है तो आप हमें हमारे नंबर पे कॉल करेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपको प्रॉपरली सपोर्ट करेंगे कि कैसे इस सॉफ्टवेयर को चलाना है। देन उसके बाद प्रॉपरली आप उसका डेमो देखिए, फिर उसके बाद आप इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग की अगर बात करें तो सॉफ्टवेयर की कॉस्टिंग बहुत ही कम है कंपैरिजन टू अदर सॉफ्टवेयर। फीचर्स की बात करें तो फीचर्स एकदम भर के दिया गया है इसमें। बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो दूसरे सॉफ्टवेयर में पॉसिबल ही नहीं है। जैसे कुछ फीचर्स की बात करूं कि बिल को हिंदी या मराठी या कि लोकल लैंग्वेज में प्रिंट करना तो इसमें पॉसिबल है, बाकी में किसी में भी ये पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसका डेमो। चलिए दोस्तों तो देखते हैं सॉफ्टवेयर का डेमो। हमारे पास है जैसे कि स्पीड प्लस 9 हमने इंस्टॉल करके रखा है अपने PC पे। यहाँ पे ये शॉर्टकट है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे हम तो ये ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद इसमें मल्टी लैंग्वेज है, मतलब आप किसी भी तरह की लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें भी यह सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से चल सकता है। स्टेशनरी शॉप में आप बारकोड, बिल बनते ही कस्टमर को SMS, बारकोड का फंक्शन जो है जैसे हम स्कैन करें आइटम को तो ऑटोमेटिक वो बिल में ले ले, पेंसिल वगैरह रहती हैं, बुक्स वगैरह रहती हैं, तो वो सब सारी चीज़ें इसमें मिलती हैं। हमने कंटिन्यू किया तो ये आपका ओपन हो गया। यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम दिख रहा है। आप अगर आपके पास 2-3 फर्म भी हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट कंपनी का जो ऑप्शन आता है यहाँ पे क्रिएट कंपनी में क्लिक करके आप बना सकते हैं। हम अपनी कंपनी पे डबल क्लिक करते हैं, कंपनी आपकी ओपन हो जाती है। बाय डिफॉल्ट यूजर नेम 1 और पासवर्ड 1 होता है, आप अपना पासवर्ड खुद से बना सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि आपके ऑपरेटर को जो आपने रोल दिया है सिर्फ वो वही काम कर पाए, बाकी चीज़ें ना मॉडिफाई कर पाएँ, पुराने बिल डिलीट ना कर सकें, तो इसमें वो भी ऑप्शन रहता है। हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, आपका ये लॉगिन हो जाएगा। अब होलसेल बिजनेस में कई स्टेशनरी शॉप में, बुक स्टोर में मल्टीपल डिस्काउंट होते हैं। जैसे हमने कोई माल खरीदा, ज़्यादा क्वांटिटी पे खरीद रहे हैं तो पहले 50% डिस्काउंट, फिर 5% डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, फिर 2% एडिशनल डिस्काउंट, इस तरह से देते हैं। तो उसका भी मैं फंक्शन इस वीडियो में बताऊँगा, किस तरह से आइटम क्रिएट करना है, उनको कैटेगराइज करना है और सेल, परचेज, पेमेंट की एंट्री कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टेशनरी के बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार सॉफ्टवेयर है। इसमें पूरी कंप्लीट GST की रिपोर्ट मिलती है, आपके GST रिटर्न वगैरह प्रॉपरली फाइल हो जाएगी और इसमें क्या चीज़ आप प्रॉफिट में बेच रहे हो, किस चीज़ को बेचने से आपको नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो भी इसमें बताता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मास्टर में जाएंगे, मास्टर में हम आइटम में जाएंगे और हम अपने आइटम क्रिएट कर लेंगे। जैसे मैंने पहले से क्रिएट करके रखा है तो हम उस पर देख लेते हैं कि कहाँ पर हमें क्या चीज़ डालनी है। हमने यहाँ पर न्यू में क्लिक करना है। न्यू में क्लिक करने के लिए हमने फिर उसके बाद आइटम में क्लिक करेंगे। आइटम में हम डाल देंगे फॉर एग्जांपल MBD इंग्लिश 7th क्लास, ठीक है, ये हमने नाम डाल दिया।
अगर इसका शॉर्ट नेम कुछ डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, एचएसएन नंबर डाल सकते हैं। अब आप जानते हैं कि स्टेशनरी में टैक्स फ्री प्रोडक्ट रहते हैं तो टैक्स फ्री आप ले लेंगे, अगर कुछ जीएसटी रहेगा तो जीएसटी ले लेंगे। यहाँ पे अगर कंपनी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं कि ये कौन सी कंपनी की किताब है, कि कोई पर्टिकुलर ऑथर या पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की है या कि पर्टिकुलर कोई बुक है जिसमें आप अलग से डिस्काउंट सेटिंग करना चाहते हो, तो इसमें सेट हो जाता है। यहाँ एंटर करेंगे, यहाँ पे हम पीस लेंगे, इंटर करेंगे, मेंटेन पब्लिशर। जैसे आप चाहते हो कि बिल में हमारा पब्लिशर भी लिख के आए, ऑथर भी लिख के आए, तो हम यहाँ पे मेंटेन पब्लिशर में टिक लगाएंगे। जिस आइटम पे जैसे पेन पेंसिल है, अगर आप टिक नहीं लगाओगे तो वहाँ पे पब्लिशर या ऑथर लिखने की जरूरत नहीं रहेगी आपको, जिसमें टिक करोगे सिर्फ उसी में वो पूछेगा। तो हमने जैसे पब्लिशर लिख दिया, मान लीजिए हमने लिखा MBD, और यहाँ पे ऑथर लिखा हमने RK शर्मा, तो हमने यहाँ पे ऑथर लिख दिया। यहाँ पे MRP हमने डाल दी, जैसे इसके मान लिया 500 रुपये, सेल प्राइस 500 रुपये, ये हमने डाल दिया और इसको हमने सेव कर दिया। ऐसा करते ही आपका आइटम क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारी आइटम की लिस्ट पूरी तैयार है। कभी भी कोई भी आइटम आप मॉडिफाई कर सकते हो, रेट भी अगर चेंज करना चाहो रेट चेंज कर सकते हो, एक्सेल में इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और एक्सेल से अगर आपके पास बुक की लिस्ट पहले से है तो इसको इंपोर्ट भी कर सकते हो। साथ ही साथ आप अगर बारकोड जनरेट करना चाहते हो, जैसे बारकोड की स्लिप निकाल लें और हम आइटम पे लगाएं, तो वो भी इससे जनरेट की जा सकती है और प्रिंट किया जा सकता है। तो अब हम आते हैं इसकी परचेज पे, परचेज की एंट्री देखेंगे। तो हम परचेज के लिए यहाँ पे न्यू के ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू में हमने क्लिक किया, न्यू में क्लिक करते ही आपकी डेट आती है परचेज की, जो भी जिस दिन का बिल रहता है हमें यहाँ पे डेट डाल देनी है। अगर बिल हमारा कैश पे आता है तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे, क्रेडिट पे आता है तो क्रेडिट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम पार्टी सेलेक्ट करेंगे जहाँ से हमने माल खरीदा हुआ है, तो हम नया अगर पार्टी हमारे पास है और लिस्ट में नहीं है तो हम प्लस में क्लिक करके पार्टी बना सकते हैं। हम यहाँ पे पार्टी का नाम डालेंगे, जैसे मान लीजिए राजेंद्र बुक डिपो, इस तरह से हमने नाम डाल दिया। सप्लायर है, जो भी जीएसटी नंबर वगैरह रहेगा वो हम डाल देंगे। अगर जीएसटी नंबर नहीं है या कि आप टैक्स फ्री हैं तो आप यहाँ पे जीएसटी नंबर मत डालिए, और यहाँ पे उसकी सिटी वगैरह डाल देंगे। और हमने यहाँ पे उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद इंटर किया हमने। अब यहाँ पे हमारी क्लास की सारी बुक्स की लिस्ट आ रही है, देखिए यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। आप यहाँ पे भी परचेस चढ़ाते समय भी नया आइटम तुरंत जनरेट कर सकते हैं। यहाँ आपको पब्लिशर, ऑथर, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। मान लीजिए हमें CBSE हिंदी क्लास मिला, यहाँ पे हमने 10 पीस परचेस किया, 10 पीस हमारा आया है 600 रुपये के हिसाब से, या मान लीजिए 150 रुपये के हिसाब से, और हमें इसमें 30% डिस्काउंट मिला, तो 30% हम डिस्काउंट डाल देंगे। इसी तरह दूसरा आइटम, नेक्स्ट आइटम 20 पीस 200। आप इसमें बहुत स्पीड से बड़ी आसानी से एंट्री कर सकते हो। एक बार आप किसी अपने ऑपरेटर को बता देते हो तो वो एक इतना फास्ट तरीके से इसमें काम कर सकता है कि आपका जो वर्किंग स्टाइल है वो बिल्कुल ही बदल जाएगी। आपको कहीं कोई चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि ये कैसे होगा, या स्टॉक कितना है, या कि आपकी डेली सेल कितनी है, या कि कौन सा बुक का स्टॉक ख़त्म हो गया। तो इस तरीके से देखिए हमने पूरी परचेस चढ़ा ली है और हम इसको सेव कर देंगे। अब हम आते हैं सेल्स पे। अब हम सेल पे बिल बनाने जाएंगे जब, तो न्यू में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका डेट आ जाएगी, क्रेडिट में बेचना है कैश में बेचना है। मान लीजिए हमारे पास होलसेलर आया है तो हमने क्रेडिट सेलेक्ट किया। यहाँ पे अगर कस्टमर है आपका तो पहले से यहाँ पे लिस्ट में सेलेक्ट कर सकते हो, नया अगर कस्टमर है तो प्लस करके बना सकते हो। ये प्लस का साइन यहाँ पे रहता है, देखिए हमने पहले से कस्टमर है तो ले लिया। तो देखिए जैसे हमने ओल्ड कस्टमर लिया तो उसका जो भी बैलेंस है, उसका फ़ोन नंबर, डिटेल, सारी चीज़ें हमारी इस पर आ जाती हैं। इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हमने आइटम लिया। आइटम लेने के बाद हम जैसे इंटर करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पे जो मार्जिन रहता है, डिस्काउंट का भी ऑप्शन देखिए दिखा रहा है, इस पर मल्टीपल डिस्काउंट है। यहाँ पे देखिए प्रॉफिट कितना हुआ, मतलब आपके बिल में जब हम आइटम जोड़ रहे हैं तो क्या आपको बिल बनाने में आपको नुकसान हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे देखिए रेड कलर से प्रॉफिट 300 रुपीज दिखा रहा है आपको, मतलब कि हर एक आइटम का आपका बिलिंग टाइम पे ही आपको डिस्प्ले हो जाना है कि इसमें क्या बच रहा है, कितना रेट पे जाना है, कितना नहीं जाना है। फिर हमने एक आइटम लिया, फिर 300,
तो आपका कभी नुकसान में बिलिंग नहीं होगी। जैसे अब हम इसमें बात करें कि अगर किसी कोई आइटम बल्क में लेके जा रहा है, जैसे हमारे पास 30 पीस लेके जा रहा है, 20 पीस लेके जा रहा है, तो उसको हमें मल्टीपल डिस्काउंट देना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले 50% डिस्काउंट अगर देना है तो 50 हो गया, फिर उसके बाद भी देना है 2% हमारा ट्रेड डिस्काउंट हो गया, अगर तुरंत पेमेंट कर रहा है तो 1% CD हो गई। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और ये जब पूरे आइटम आपके ऐड हो जाते हैं, आप इसको सेव करोगे, सेव करते ही आपका बिल जनरेट हो जाता है। बिल का हम प्रीव्यू देखेंगे। बिल आपके हिसाब से कस्टमाइज हो सकता है, बिल में, बिल के फॉर्मेट में आपको जो भी चेंज कराने हैं, लोगो लगाना है, या कि फिर आपको बिल में अपना बैंक डिटेल इंटर करवानी है, या कि आपको बिल के साइजेस बदलना है हाफ पेज में या फुल पेज में, आपको इसमें सेट हो जाता है। यहाँ पे हमने प्रीव्यू में जैसे क्लिक किया तो देखिए आपका ये बिल जनरेट कर दिया, यहाँ पे लोगो वगैरह लग जाएगा, यहाँ पे बुक्स टाइटल में भी आ गया, पब्लिशर भी आ गया, ऑथर भी आ रहा है, MRP भी आ रही है। और देखिए सबसे अच्छी बात कि जिसमें हमने डिस्काउंट दिया सिर्फ उसमें प्रिंट होके आ रहा है कि 10%, जिसमें हमने डिस्काउंट नहीं दिया उस पर नहीं प्रिंट होके आ रहा है। यहाँ पे 50 दिया हमने, फिर 2 दिया, फिर 1 दिया, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन है, और ये आपका टोटल आ गया। अब अगर हम इसको मेल कर देते हैं, ईमेल में क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये पार्टी को मेल चला जाएगा। ओके करेंगे, देखिए मेल चला जाएगा, ये आप ऑटोमेटिक आपको सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा, मेल चला गया, और ये योर मेल हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, मतलब ऑटोमेटिक पार्टी को, कस्टमर को जो है मेल में आपका बिल मिल जाना है। चलिए मैं आपको बिल भी दिखा देता हूँ कि बिल मेल आता है तो किस तरह से दिखता है। यहाँ पे बिल को हम पेज को रिलोड कर लेंगे, हमारी जो ईमेल आईडी है उस पर हमारा बिल जो है आ जाएगा। ये देखिए हाँ आ गया है, सुंदर बुक स्टोर। यहाँ पे हम जाएंगे, क्लिक करेंगे, और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, डाउनलोड में हम क्लिक करेंगे तो ये आपका बिल यहाँ पे डिस्प्ले होने लगा। ये देखिए यहाँ पे कीप करेंगे, ये आपका बिल जो है PDF में, मतलब जिसको मेल जाता है वो PDF में डाउनलोड भी कर सकता है डायरेक्टली, उसको कुछ भी अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपका बिल खुल गया, देखिए है ना, बहुत शानदार ऑप्शन। इसको आप यहीं से प्रिंट भी कर सकते हो, और कहीं से भी, मान लीजिए आपको बाहर से कहीं से प्रिंट भी करवाना है तो बाहर से भी ले जा सकते हो, ऑटोमेटिक PDF में मेल हो गया पार्टी को। अब हम देखते हैं कि WhatsApp कैसे होगा, तो हमने यहाँ पे जैसे प्रीव्यू है, अब हम इस पे आते हैं और WhatsApp में क्लिक करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये WhatsApp भी चला जाएगा। WhatsApp में हम ओके करते हैं, ये जनरेट होके देखिए ये WhatsApp भी चला गया है। यहाँ पे देखिए हाँ ये WhatsApp चला गया आपका। अब हम इस पे भी अगर क्लिक करेंगे तो भी हमारा बिल आप डाउनलोड हो जाएगा और हम उसको बिल को देख सकते हैं। ये देखिए आ गया, डाउनलोड में क्लिक करेंगे, ये आपका बिल ओपन हो गया। तो बिल डायरेक्टली WhatsApp जा रहा है, आप मेल में जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है जो आज के हिसाब से आपके वर्किंग को और फास्ट करने वाला है। यहाँ पे जितने बार आप उसको ओके करते जाओगे, यस करते जाओगे, उतने बार आपको ये सेंड मैसेज आता जाएगा और आपका मेल जाता जाएगा। ये जो ब्लू कलर की लिंक है इस पर क्लिक करते ही आपका बिल डाउनलोड हो जाता है। अब हम देखते हैं सॉफ्टवेयर के और फीचर की क्या है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम अगर स्टॉक रिपोर्ट की बात करें तो स्टॉक रिपोर्ट में जाइए, ओके करें, तो आपको ये पूरा स्टॉक दिखा देगा। अगर आप पब्लिशर या उसके हिसाब से देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक्सपेंड सब आइटम में टिक करके सर्च करोगे तो आपको पूरा ये अलग अलग पब्लिशर या ऑथर के हिसाब से आपको ये पूरा दिखा देता है। सेम उसी तरह से अगर आपको किसी ऑथर का सर्च करना हो तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सर्च बाई में जाके ऑथर, तो जैसे मुझे RK शर्मा का ही देखना है तो RK शर्मा लिखा मैंने और सर्च किया तो सिर्फ RK शर्मा की ही आया, या RK गुप्ता जिसका भी आप नाम लेंगे उसका सिर्फ आएगा। ठीक है, जैसे मैं RK गुप्ता अगर डालता हूँ तो सिर्फ RK गुप्ता की ही आपको स्टॉक दिखाएगा, बाकी चीज़ें कोई स्टॉक नहीं दिखाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि ओनली 100 आइटम सोल्ड इन दिस पीरियड, मतलब आज जो आइटम सेल किए गए हैं सिर्फ उनका स्टॉक दिखाए, ये कि उनका क्या स्टेटस है वो देखना है अगर आपको, तो सिर्फ वो आज जो डेली सेल हुए होंगे उनकी आपको ये रिपोर्ट दिखाएगा आपको।
तो यहाँ से आपकी रिपोर्ट्स भी बन जाती हैं। अगर आपको आउटस्टैंडिंग में देखना है तो आउटस्टैंडिंग में क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो जितना भी आउटस्टैंडिंग है वो दिखा देगा। इसी के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो लेजर दिखा देगा कि भाई हमारा इस पार्टी से कितना है, 1817 रुपये बाकी है। तो इस तरीके से आप पूरा लेजर देख सकते हो और इसको भी आप SMS या WhatsApp कर सकते हो। इसी तरह से आपकी जो बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट है, यहाँ पे क्लिक करेंगे बिल वाइज प्रॉफिट रिपोर्ट पे तो आपको किस बिल में क्या बच रहा है वो भी आपको दिखाता जाता है। देखिए प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इस पे। और इस बिल में जब हम बिल जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर के बिल बनाते हैं, तो आपके बिल के फॉर्मेट मल्टीपल हो सकते हैं। इसमें 3,500 से ज़्यादा रिपोर्ट्स हैं, जैसे सेल्स रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट, आपकी सेल समरी, आइटम वाइज सेल समरी, कंपनी वाइज सेल समरी, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। साथ ही साथ अगर बारकोड अगर प्रिंट करना चाहे तो देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि बारकोड कैसे प्रिंट करना है। आइटम में जाएंगे और यहाँ पे जनरेट बारकोड लेवल में जाएंगे और ओके करेंगे तो जो जो आइटम की लिस्ट होगी वो आ जाएगी। इसमें टिक करेंगे, जितने पीस आपको उसका बारकोड निकालना है, 20 पीस निकालना है, 10 पीस निकालना है, आप यहाँ टाइप करेंगे और प्रिंट में जाएंगे, ओके करेंगे तो आपका ये बारकोड जनरेट कर देगा। और उसको आप बारकोड प्रिंटर के माध्यम से या कि फिर आप नॉर्मल कोई भी प्रिंटर ले लेते हैं, जैसे लेजर प्रिंटर है, उसमें भी इसको आसानी से प्रिंट कर सकते हो और बुक्स के ऊपर या कि किसी आइटम के ऊपर आप चिपका सकते हो। जैसे MBD इंग्लिश 7th क्लास, इसको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे इसमें MRP लगाना है, लोगो लगाना है, कुछ करना है तो हम यहाँ पे भी उसको कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम बात करेंगे कि जैसे GST रिपोर्ट वगैरह की, तो यहाँ पे देखिए GST या रिटर्न्स वगैरह है, पूरा GST या रिटर्न का ऑप्शन है, GST समरी है, सेल्फ ऑडिट टूल है कि क्या बिल में, कौन से बिल में क्या मिस्टेक है, क्या बिल में क्या ऑप्शन है, तो ये अपन यहाँ से देख सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देख रहे थे कि यहाँ पे जैसे GST समरी है, GST की रिपोर्ट्स हैं, GST बिल वाइज है, आपका GST समरी एक महीने में कितने रिटर्न फाइल करना है, कितना रिटर्न हुआ है, वो सब सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे दिख जाती हैं। तो आप अगर इस सॉफ्टवेयर को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कॉल करें। अगर आप इस सॉफ्टवेयर का डेमो चाहते हैं कि हम इसको थोड़ा सा चला के देखना चाहते हैं तो भी हमें कॉल कर सकते हैं आप। डेमो बिल्कुल फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। अभी यह सॉफ्टवेयर बहुत ही कम रेट पे मिल रहा है। अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा जो फीचर्स वाले सॉफ्टवेयर हैं जिनका बहुत ज़्यादा प्राइस है, उनसे ये लाख गुना बेटर है। अगर कंपेरिजन वाइज देखें कि क्या चीज़ में क्या मिलता है, तो इस सॉफ्टवेयर में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में है। आपका विंडोज 10 हो, किसी तरह का नया लैपटॉप हो, पुराना लैपटॉप हो, सभी में चलता है। साथ ही साथ आपके जो बिजनेस को है उसको बहुत अच्छी ग्रोथ देता है। इसमें आपको हर तरह से रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, जो भी आपकी रिपोर्ट है, डेली सेल्स है, डेली रिपोर्ट्स हैं। आपका डैशबोर्ड बहुत प्यारा है, स्क्रीन बहुत अच्छी है, आप घंटों बैठ के आप इसमें देखो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। हर रिपोर्ट इसकी एक्सेल में जा सकती है, PDF में जा सकती है, कुछ भी डेटा आप मेल कर सकते हो। अकाउंटिंग के लिए अपने CA के पास ले जाना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर वहाँ भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको सॉफ्टवेयर में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्टॉक कस्टमाइजेशन का ऑप्शन है, डेली सेल्स रिपोर्ट्स का ऑप्शन है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस का है। तो ये ऑप्शन आपको बहुत महंगे सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, मगर इसमें आप बड़ी आसानी से कम पैसे लगा के भी अच्छे से अपना बिजनेस मेंटेन कर सकते हो। और आसान इतना है कि आप किसी को दिखाओगे तो एक बार में वो समझ जाएगा कि कैसे हमें इसकी एंट्री करनी है, कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें कमेंट करके बताइए कि आपको क्या चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।